से
सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए नहारा चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुर दीन दया चरण कमल तेरे सतगुरु दीन सिमर सिमर नाम देवा सिमर 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 नाम देवा तन मन होए नहारा चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे सतगुर दीन दया
जगत तेरी सेवा। मुगत भुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराए कहां बैकुंठ, यह कीर्तन तेरा कहां बैकुंठ, यह कीर्तन तेरा हुआ पे शरदालाए, तू आपे शरदालाए। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा, सिमर सिमर नाम जीवा, तन मन होए निराला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे सतगुरु तुमरे द्वार आया।
नहाला चरण कमल तेरे धोए धोए की चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला मेरे सतगुर दीन दयाला चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा पाव मलोमा मल मल धोवा पाव मनोमा मल मल तोवा के मन तै गूंदे सा सुन मीता आ तेरी शरण आए आया तब मिलो देवो उपदेसा मान न कीजे शरण करीजे करे सफला मनाइए सब धन कर पीजे जो दर्शन हर जी पाइए जो दर्शन हर जी पाइए भूले मार्ग जिने बताया भूले मार्ग जिने बताया ऐसा गुर मड भागी पाए सिमर मन राम नाम तारे बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे इस गुर का सिमरो सास सास इस गुर का सिमरो सास सास सतगुर मेरी राम गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण धोए धोए पीवा गुर के चरण धोए धोए पीवा माई चरण गुर मीठे माई चरण गुर मीठे बड़े पाग देवे परमेश्वर कोट फला गुर दर्शन कोट फला दर्शन गुर मीठे माई चरण गुर मीठे माई चरण गुर मीठे माई चरण गुर मीठे माई चरण गुर मीठे बड़े कबीर चरण कमल की मौज को कौ कैसे अनमा कैबे को शोभा नहीं देखा ही परमा देखा ही परमा कैबे को शोभा नहीं कवन लड़क क्या शुर्क बिचारा संतल दोनों राते कवन लड़क क्या शुर्क बिचारा संतल दोनों राते हम काहू के कान न कटते अपने गुर पर सदे अपने गुर पर सदे हम काहू कान न कटते अपने गुर पर सदे कबीर कबीर चरण कमल की मौज को कर कैसे अनमा कह देखो शोभा नहीं देखा ही परवा कह
में को शोभा नहीं देखा ही परवान, कैफे को शोभा नहीं देखा ही परवान, कैफे को शोभा नहीं देखा ही परवान, चरण कमल तेरे तो मेरे सतगुर दीन दयाला, 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 मेरे सतगुर दीन दयाला। सब तो उत्तम गुरु के चरण हैं। धन गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह कहते ते निस्तारा भी गुरु के चरणा नाल ही, गुर का चरण जी का निस्तारा, जी का निस्तार साड़ी अंदरली सौल आत्मा का निस्तारा गुरु के चरणा नाल। हुण इत्थे एक सवाल पैदा होएगा, ध्यान दिओ जे बड़ा कमाल दा नुकता। फिर इत्थे सवाल तां इह पैदा होएगा कि दे चाहीदी है, दे नाल ही चरण हुंदे ने, शरीर जिहड़ा शरीर दा एक ही सहचरण, ते जे देहधारी गुरु होएगा तां ही उहदे चरण पकड़ांगे ना, ते इहदा मतलब देह दे चरण पकड़ के जी दा निस्तारा होएगा। गल खुंझ ना जावे फिर एक बारी ध्यान दे नाल, जे देह है तां चरण हन, ते जे देह नहीं तां चरण किथे। पातशाह कहिंदे चरणा तो बगैर निस्तार नहीं है। सतगुरु गुरु अर्जन साहब, गुर के चरण जी का निस्तार, समुद्र सागर जिन खिन मैं तारा। हुण तो फिर कोई ऐसा गुरु तैयार करना पैगा जिहड़ा आके अपने चरण देवे, सानू चरण पकड़ावे ते असी समुद्र सागर तो पार हो जाइए। पर एक ध्यान रखियो, दे गुरु की भी नहीं गई, दे मनुख की भी नहीं जानी। दे सची दरगाह के अंदर मनुख का शरीर नहीं जाता। आवाज आ रही है, आवाज कहती जद मनुख का शरीर इत्थे रह जाता है, मनुख का शरीर मरण तो बाद जब जरिए तब होए भस्म तन रह कर्म का लखाई, एक संस्कार कर दिता जाता है, साड़िया जाता है, अंतला समा एक नूं दबिया जाता है, एक दबै एक दजिए। शरीर तो इत्थे भी रह गया, हाथी इत्थे रह गए, तो चरण किहदे नाल पकड़ने ने। जीवन का सब तो वड्डा खुलासा पातशाह ने यह कर दिता कि देह नहीं जाती, देह तां स्थूल है, इत्थे ही रह जानी है, देह तां इत्थे ही रह जानी, देह मनुख की किसी दी भी ना गई, अवतार पुरश की किसी देह ना गई, सब दियां देहां जड़ियां संसार विच रह गई। अंतम एक किरिया बना दिती गई कि इस प्रकृति तो बनी हुई देह नू जा तां दब दिओ जां साड़ दिओ, संस्कार कर दिओ, बस इत्थे फैसला खत्म हो जांदा कि सानू देह नहीं चाहिए।
ते जे गुरु की देह चाहिए तो फिर यह देह भी सलामत रहनी चाहिए, ये मरे ना। जब देह डेड होगी तो इन्हें हाथ किवें पकड़ने ने, चरण मरी हुई देह ने चरण पकड़ लेने। साढ़े अंदर एक जीव आत्मा है और परमात्मा, आत्मा परात्मा एको करै अंतर की दुबता अंतर मरै। धन गुरु नानक साहब महाराज पातशाह। ते गुरुदेव सच्चे पातशाह कहंदे भई देह नहीं है, गुरु नू मत शरीर समझ लेना, गुरु शरीर नहीं है। सूरज क्या शरीर है, हवा क्या कोई शरीर है, पानी क्या कोई शरीर है, मिट्टी कोई शरीर है, जो आपां बोलदे पए आ आवाज साउंड ध्वनि इहदा कोई आकार है? जद इन्हां दा आकार नहीं, इह तां शरीर दे मनुख दे शरीर दे अंदर पा दियां निरंकार ने, मिट्टी दी मडोली बना के इस दे अंदर इन्हां दा पांच तत् को तन रज दित्ता, ये उधारियां लईयां गईयां। पानी उधारा लिया गया, हवा उधारी लई गई, धरती दी मिट्टी उधारी लई गई, अग्नि सूरज कोलो उधारी लई गई, सब कुछ उधार है। ते उधार दी लई हुई जिंदगी ते मनुख इन्ना मान करदा भाई कहण दीआं गल्लां। खैर सच्चे पातशाह महाराज ने जिहड़ी बात समझाई है, हजूर सच्चे पातशाह कहिंदे गुर का शब्द गुरु का उपदेश ते गुरु के चरण हन। गुर के चरण जी का निस्तारा, समुंद सागर जिन खिन में तारा। समुंद सागर है भौजल दरिया जिस दे विच्चों तरना है। हुण एक दरिया नहीं, एक ता भौजल है जिसनू दरिया कहा गया समुंद सागर। एक पातशाह ने कहा पावक सागर, अग दा सागर। एक सतगुरु ने कहा बिख सागर, यार दा सागर। तो सागर भी अलग अलग ने, क्यों तरिया दुत्तर संसारे। पातशाह ने किते इस संसार दे सागर नू कहा ये यार दा परिया, बिख सागर, पावक सागर, समुंद सागर। सतगुरां ने बावन गुरबाणी दे अंदर बड़े प्रमाण दे के समझाया। इस दे विच्चों तरना किवें है, गुरु का उपदेश मिलदा है तां सानू पता लगदा कि दुनिया दे अंदर जहर है। जहर कड़ी चीज है, बिख सागर की है, उसकी सोझी मिलती कि जहर तो किवें बचना। संसार दे कई प्रकार दे जहर ने, पावक दुनिया अग है, आतश दुनिया खुनक नाम खुदाए। आतश अग्नि दे कोलो किवें बचना है, पावक सागर। वेख भौजल डुबदे कढ ले ए पानी दा सागर, गोते खांदा होया मनुख पानी दे सागर तो। वेख भौजल डुबदे कढ ले, नानक की अरदास। अरदास है कि सानू डुबदियां होया नू कढ ले। डुबदे किस चीज तो, सतगुरां ने कहा लोभ लहर अत नीजर बांधे, काया डूबे केसवा। कदे लोभ विच भी डुबदा आदमी, पानी च डुबदा ना। कदे देखिए किसी इंसान ने भी अपने कोल पैसे बहुत ज्यादा होण, आपां पैसे दे उपर बह जाइए तो डुब जाइए, आपां ते पैसे दे उपर ही हां, तरदे पए हां। ना ना, आत्मक तौर ते मनुख डुब गया लोभ दियां लहरां दे अंदर। ते फिर वो लोभ ने ऐसा डुबोया पता नहीं की अवगण संसार दे अंदर आ गए है। इसलिए गरीब नवाज पातशाह ने गुरु के उपदेश नू कहा है कि उपदेश गुरु के चरण हन। जिन्हें गुरु के उपदेश कमा लै संतो सागर पार उतरिए, जे को बचन कमावै संतन का सो गुर प्रसादी तरी। बचन कमान आया दुनिया अंदर, बचन कमान। कलगीधर साहिब कमाल धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ही बात तक कही। कह लगे औरंगजेब देख
वचन तू भी किया, वचन मैं भी किया। दुनिया के दे अंदर देखिया जाए तो तू भी इबादत करना अल्लाह की, पंज वक्त नमाज गुजारना, जकाता रखना, रोजे देना, मक्के की जियारत करना, धर्मी है, ये तो सारा कुछ करना। इन्ना कुछ करन दे नाल तू कहे हुए बचन नू अल्लाह दे नू मुहम्मद दे नू पैगंबर दे नू अपने इस दे वचना नू कहे होया नू कमांदा नहीं। बस कली इन्नी गल, तू कमांदा नहीं, तू इन्ना कुछ पढ़ के भी झूठ बोलदा, फरेब करदा, फरेब तू दगा करदा कि तेरे मन अंदर केवल लालसा दुनिया हड़प लवा। जिहड़ा इंसान अपने खून नू ही मारन दा प्यासा होवे वह इंसान धर्मी हो सकदा। बस गल केवल इन्नी है, जे बाहरी जीवन ते अंदरला जीवन वेखिया जाए, गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह उन्हां भी धर्म कमाया और यह भी धर्मी कहांदा सी। पातशाह ने आप कहा, हम मर्द बायद बवद सुख निवरण शिकवे शिकवे दिगर दर्द हाने दिगर, बाला चार की दरमिया आमदम बा तदबीर तीरो तुफंग आमदम। तेरिया कुछ जी हरकत वेख के सानू यह सारा कुछ चुकना पिया, क्योंकि तू झूठा आदमी है, फरेबी आदमी है, सौ खा के मुकर गए हैं। मरा ए तबारे तुरा कसम नेस्त, तेरी खाधी हुई कसम जड़ी है, तू कसम खा ली पर तू ना चलिया, पर असी तेरी कसम, क्यों तू अल्लाह दी खाधी ते मैं अल्लाह दा मरीद हाँ, मैं अल्लाह दी पूजा करदा भावें मैं अपनी जबान विच करदा। इस करके अल्लाह दे नाम तो मैं कुर्बान होने वाला व्यक्ति हाँ, तेरी खाधी हुई कसम नू मैं पुगाण वास्ते तेरे बोलों के उपर विश्वास किया, पर तू विश्वास घात किया। बस गल तो केवल इन्ना ही है, जे को बचन कमावै संतन का, दुनिया च आप आए हैं बचन कमाण वास्ते, बचन तोड़न वास्ते नहीं आए, बचन सुन ले बचन गवाण वास्ते नहीं आए। जे को बचन कमावै संतन का सो गुर प्रसादी तरी है, पर गुरु की कृपा हो जाएगी वो तर जाएगा जिन्हें बचन कमा लिया। हुण बचन ही एडा वड्डा जहाज है संसार का, बचन ही, बचन ही एडा वड्डा संसार का जहाज है। सतगुर बचन तुम्हारे, सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे, महाबिखाटी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगार, जन्म भवन ते नरक पड़न ते, जन्म भवन ते नरक पड़न ते तिनके कुल उधार। कई बारी जीवन दे थॉट बड़े कमाल दे आउंदे ने, अज बड़ा कमाल दा थॉट आया लिखण वाले, क्योंकि चंगे भी बैठे ने जिथे माड़े लिख दी लिखण वास्ते दुनिया के अंदर जहर पे लिखते हैं, कितने सौ मैसेज दस मैसेज पंद्रह मैसेज वीहां दे विचों एक अद्धा कोई ऐसा भी होंदा जिहड़ा जीवन की बड़ी वड्डी सेध होंदा। एक आया शायद तुसीं देखिया होगा पढ़िया कईआं ने रीड किया होगा, जीवन कच्ची पेंसिल है, जीवन कच्ची पेंसिल है, जिवें पेंसिल नूं लिखदे चले जाइए घसांदे चले जाइए तो पेंसिल जिहड़ी है घसदी चली जाती, एवें जीवन घसदा चला जाता मुकदा चला जाता। पेंसिल नूं वरती है तो घसदी है ना, मुकदी है, किड्डा सौखा फार्मूला, क्योंकि अपने जीवन के अंदर रोजाना बच्चों आप देने रोजाना सपनर करके वार वार देने, फिर कच्ची पेंसिल रोजाना घसदी है, घस घस के छोटी हो जाती है। पर एक गल का ध्यान रखियो, सारा साल वो कच्ची पेंसिल वरतीए लिखिए कख ना कागज ते घसांदे चले जाइए, जे इन्ना क टुकड़ा भी बच जाए पेंसिल का, इन्ना क टुकड़ा
जे उस टुकड़े दे नाल पिछले टुकड़े दे नाल पेंसिल दे नाल वो जड़ी वर्तों विच नहीं आ रही उदे नाल भी किते जीवन दे अंदर कुछ लिख दईए ते वो लिखिया होया बा कमाल हो जांदा है। सारी दी सारी पेंसिल ते भावें कम ना आई होवे वो छोटा जिहा एक सेंटीमीटर का हिस्सा जड़ा वो जीवन नूं तार दिंदा है। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे बस जीवन तेरा किहो जिहा मर्जी होवे तू किते गुरु के दर वाले पासे आ जा गुरु के वचन कमाण वाले पासे आ जा तू भावें अंत समय ही कमाना सिख लै ले अंतले समय भी तू गुरु का वचन कमा लिया तो गुरु प्यारिया तेरे जीवन का उधार हो जाए। कदे दुनिया के अंदर माड़े कर्मां वाले का ना होया उन्हें जस लिया आप जस हुंदे ते पातशाह कहिंदे जे तू चंगे कर्म करेगा चंगा नाउ रखाएगा जस कीरत जग ले जस कीरत जग ले। जदों तेरे जीवन के अंदर रब का जस आएगा तू ओदा जस करेगा ओदी कीर्ति करेगा ते फिर तेरी कीर्ति ते तेरा जस करन तो कोई नहीं रोक सकता। जेड़ा परमात्मा की सिफत सलाह करेगा ना रब सच्चे पातशाह महाराज एहो जिहा है वह वैसे तो किरत घणा नूं दे ही जांदा पर जे भगती करिए ना भगती करिए भावें तुसीं जिन्ना मर्जी चंगा ना रखायक है चंगा ना रखा लो बड़ा वड्डा दुनिया के अंदर अमीरड़ा पुरश बन जाओ पैसे दे जोर दे चंगे ना रखा लो संसार दे विचो जस दा संसार दे विचो जस खट लो परमात्मा दे दर ते जे तिस नजर ना आवई। एक शब्द आउंदा जपजी साहब दे अंदर ही वो बड़ा गहरा भाव है नदियां अतै वाह पवै समुंद ना जानिए सुरत दे पेंडे च जदों उतरदे हो ना अर्थ बड़े बड़े बनते हैं कमाल होंदे कहिंदे नदी उछलदी आउंदी बड़ियां छालां मार के आउंदी है ये जदों समुंदर दे पास आउंदी है ना पहला तो दुनिया नूं विखांदी मैं ही हाँ कईयां नूं उजाड़ आउंदी कईयां नूं आबाद कराउंदी जीवन भी ऐसा ही है। जदों सागर तक पहुँच जाती है वो सागर तक पहुँच जाती है ना नदी चलती चलती भावें कुछ हिस्सा भी पहुँच जाए कहिंदे भावें समुंदर ना जानिए ऐसे दो अर्थ ने ऐसे तो कई नहीं भावें समुंद ना जानिए समुंद ना जानिए कहिंदे समुंदर नूं की तेरे वर्गियां बड़ियां लखां नदियां आके समुंदर विच पै गईयां तेरी उहदे सामने की औकात है। पर जे नदी पै जाए भावें समुंद ना जानिए समुंद दे अंदर पै गई नदी नदी अभेद हो गई नदी समुंदर बन गई नदी नदी ना रही नदी समुंदर बन गई ते जे दूजे भाव नूं वेखीए तेरे वर्गे लखां ही चले गए अमीरड़े पुरश ओ सागर सौ सागर दे अंदर तेरे वर्गियां कई नदियां समा गईयां समुंद ना जानिए जानदा ही नहीं रब ते जानदा ही नहीं तेरे वर्गियां दी की औकात नदियां अदावा पमाए समुंद क्योंकि बाणी है ना जिहड़ी बाणी पढ़न लग्या रस लैण वास्ते है सारा सारे दिन के अंदर भावें एक ही शब्द होवे उस नूं वार वार भाई साहब भाई वीर सिंह कहिंदे कहिंदे रस नूं शब्द नूं चीनना शब्द चीन फिर लगे ना पीर तकलीफ ही नहीं होएगी आत्मा तो दुखदी है जदों आत्मा दे उपर ही छाया शब्द की पैगी तो कित्थे दुखेगी पीड़ा दुखी करनगियां संसार दियां। खैर सच्चे पातशाह महाराज गुरदेव गरीब नवाज पातशाह जी कह रहे ने इसलिए संतो सागर पार उतरिए जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिए गुरु की कृपा दे नाल वचन ही कमाण आए हैं आपां संसार दे अंदर सच जाणियो गुरु नूं जो वचन दे दिता वचन ना तोड़ियो वचन निभ जाए कख साडे कोल ना रवे एक वचन गुरु जी तेरा असी फड़ लिया ते जदों असी वचन फड़ लांगे ना आपां ते गुरु सतगुरु सच्चे पातशाह एक नहीं प्रहलाद जन के एक ही कुल तारे एक नाम जपिए दे बदले
अनेक कुलों का उधार हो जाता है। गुरु प्यारे अनेक कुलों का, इसलिए मत जाणो कि गुर के चरण धोए धोई पीवा। सानू शरीर चाहिए कि शरीर के चरण धोईए, शरीर लेके आईए और शरीर के चरण धोईए फिर पीवीए। चल इत पी लो गे अगे, गुर के चरण जी का नस्तारा मरोगे या फिर गुरु पहला मर गया जिहड़ा देहधारी उसनू लैके कित्थों आवांगे, उहदे चरण भी नहीं, चरण तो इत्थे सड़ जाने ने, शरीर सड़ जाण, पूजन वाले ने भी सड़ जाण, मेरे ही हाथ पैर नहीं काम करनगे, मृतक देही होगी तो मैं पढ़ांगा किवें गुरु के चरण। यह जीव आत्मा ते परमात्मा की बात है, सूखम बात सतगुरु ने लिखी है। भावना दे नाल जो जीवन के अंदर गुरु के चरण पकड़ ले, गुरु का उपदेश कमा लिया, तो सच जाने जिउंदियां जी ही असी तर जाएंगे। सानू संसार दे अंदर देह नालों संबंध तां तोड़िया क्योंकि देह इत्थे रह जाती, एक दब्बा एक दजी है, एक ना कुत्ते खाए एक पानी विच उसलीए कि फिर हसन पा। महाराज मेहर करे आओ जी, कीर्तन की समाप्ति सन्मान योग भाई साहब भाई मनप्रीत सिंह जी कानपुरी अपने जथे समेत पहुँचे हैं। समूह गुरु की साध संगत प्रबंधक साहबान यानी महेंद्रपाल सिंह जी जो बड़े प्यार वाले हैं, भिजिया रूह अज दुनिया के अंदर बहुत घट रह गई, विचारा तो जो मर्जी लिखी जाओ, खुल है जो मर्जी लिखी जाओ, जीवन थोथे हो गए, इन्ने थोथे हो गए, कड़वाहट नाल भर गया मनुख, यहरी यहर यहरी यहर। पर स्वाद ता हुंदा यहर विचों ही अमृत लभना, विखते अमृत प्रगटिया, विख विचों भी अमृत लभना है, उन्हें छड़ दो। इस करके जे बड़ा कुछ आउंदा उहदे विच एक भी पकड़ साडी जीवन दी साडे विच आ गई, बाकी सारिया चीज़ा छड़ दो, की वेखे छड़ दो। ये विश्व संसार सारे संसार नूं वेखणे छड़ देने ना, इसलिए गुरु प्यारे लड़ाई झगड़ा उदों वधदा जदों एक दूजे का कमेंट, एक दूजे का जवाब, एक दूजे का जवाब ना छड़ दो, की लोड़ है। दुश्मन जिहड़ा है प्रसन्न हो रहा, खुश हो रहा, हस रहा, बड़ा चंगा काम हो रहा कि साडी बंदी असी गुरु तो दूर चले गए। अमेरिका की गल है, असी हुणे टूर ला के आए जी, परसों ही आए, तो महाराज साहब जी दे सरूप गल याद आ गई, एक मिनट मैं समाप्ति करनी कीर्तन की। जहाज विचों उतरे और सिंह बड़े अदब दे नाल बिगलां लैके बैंड वाजे लैके बड़ा कुछ परेड होई, परेड के तहत उत्थे दी पुलिस जिहड़ी उह भी इकट्ठी होई। महाराज साहब जी का स्वरूप अंदरों जहाज विचों लैके आए, सिंह चुक्की लियाउंदे ने, जकारे छड़ रहे ने, बड़ फुल्लां दी वर्खा हो रही। एक अंग्रेज ने अगे होके पुछ लिया, कहन लगे की है, पहली बारी वेख रहे हां, बड़ा अदब है, की है? उन्हें दसिया कि साडा गुरु है। वो कहन लगी अच्छा, मतलब की है इहदे विच? पढ़े लिखे सिंह ने अपने उन्होंने समझाया बड़े प्यार दे नाल, उहनूं उहदी अकल च पै गई गल, गोरे की अकल में गल पै गई। वो कहिंदा मैं एक गल करा भावें कौड़ी ते लगे, कहिंदे सिखो जे इहो जिहा गुरु है इहनूं सिर ते क्यों चुक्की फिरदे हो, सिर दे विच पाओ। ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਚੁੱਕਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਝਗੜੇ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ, ਜਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ। ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਦੇਵਾ, ਓ ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਦੇਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾ ਮੇਰੇ।
सतगुर दीन दयाल मेरे, सतगुर दीन दयाल मेरे, सतगुर दीन दयाल। इतनी सेवा दर प्रवान जी, होइया भुला गलतियां दी खिमा, गज बज के फतेह बुलाइए, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहे वाहेगुरु जी की फतेह।